हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेवल्स में। तो हेवल्स में काफ़ी अच्छा जो है एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था और उसके बाद जो है हम लोग आज फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे एक अच्छे लेवल पर फिर से दिख रहा है। तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जो कहाँ पर हम लोगों को स्टॉक में एंट्री लेना है, किस क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, किस टारगेट प्राइस के लिए हम लोग होल्ड करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लॉजिक अगर आपको पता होगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास लेवल्स होंगे जो किस लेवल पर एंट्री लेना है, तो आपको ट्रेड प्लानिंग करने में काफ़ी अच्छा जो है आपको हेल्प मिलेगा और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको इस लेवल पे हेवल्स में मैंने आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बताया था और उसके बाद देखिए स्टॉक में यहाँ से ऊपर की ओर जो है ऑलमोस्ट 1500 तक जो है 100 पॉइंट का एक अच्छा रैली हुआ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको कल वीडियो बनाया था, उस टाइम में मैंने क्लियरली बोला था जो इस स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। और आज आप देखिए ऊपर खुला जरूर था, बट उसके बाद से आपको कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में दिखा और लास्ट में जो है आपको 1450 के लेवल पे यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट डायनेमिक रेसिस्टेंस आपको इमीडिएट सपोर्ट है, ऑल टाइम हाई के आसपास जो है स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए जो है स्टॉक आपको क्लियरली अप ट्रेंड में है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब बस आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, आपको बस वेट करना है। 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल इस लेवल पे बनने दीजिए, 1460-1465 इस समय अराउंड इसी लेवल पे के आसपास अगर आपको एक बुलिश कैंडल जो है बनता है, 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल अगर आपको इस लेवल पे बनता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 1420, तो ऑलमोस्ट जो है 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका 80-100 पॉइंट का होगा। 1550-1560 ये लेवल जो है वो आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, तो आपको उस लेवल पे जो है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एंट्री आने दीजिए। अगर आपको कल मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज होता है, तो फिर जो है आपको डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 1420 आपका एसएल होने वाला है। टारगेट जो है आपका 1550-1560 के लेवल के अराउंड जो है आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर आपको चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो बेटर वे में आपको समझ में आएगा जो किस तरह से मार्केट काम करता है और फिर जो है वो आपको आगे के लर्निंग के लिए भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।